गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हिंदी का रिवीजन टूर स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक आने वाला है। इसमें जो जो भी आपका बैक एक्सरसाइज दिया है, वो चाहे वन वर्ड में हो, चाहे फिलअप्स में हो, चाहे ट्रू फॉल्स में है, सबको थोड़ा घुमा कर दिया गया। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट चैप्टर क्या है? सुप्रभात है। सुप्रभात में सबसे पहले तो शब्दार्थ पूछे जाएंगे, शब्दार्थ आप लोग सब याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन आंसर, उसके बाद आपका दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है ये, प्रत्यय बनाना। ये सभी आपको मार्क्स बना दे सकता है। जैसे यहाँ लिखो सुगंध प्लस इत क्या हो गया, सुगंधित हो गया। पुष्प प्लस इत क्या होगा, पुष्पित हो जाएगा। क्रोध प्लस इत क्रोधित हो जाएगा। ये सब आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आप उसको ध्यान से करेंगे। अब आता है बैक एक्सरसाइज में नए शब्द बनाना। गमन से नए शब्द बनाना, तो आगमन हो गया, निर्गमन हो गया, बाहिर्गमन हो गया, प्रत्यगमन हो गया, है ना। वैसे पर्यायवाची शब्द पूछा तो नयन का दो दो पर्यायवाची, हर बार बच्चे एक ही लिखते हैं तो नंबर में दे देती, बट अब नहीं दूंगी हाफ एली में। दो दो पर्यायवाची शब्द मैंने ऊपर में मेंशन कर दिया, इसलिए आपको दो लिखना है। जैसे निशा का क्या होगा, रात और रजनी हो जाएगा। उषा का क्या होगा, दिन हो जाएगा, दिवस हो जाएगा, ठीक है। यह आ गया आपका पिक्चर रीडिंग। इस बार तो मैंने एग्ज़ाम में वो नहीं किया, बट आपको ये सब याद रखना है। सेकेंड आता है क्यों क्यों लड़की, एक मोइना की स्टोरी है जिसमें पूरा बताया गया, उससे रिलेटेड आपका इसमें क्वेश्चन है। जैसे इसमें कभी आप शब्दार्थ याद करेंगे। फिर इसमें दिया है टिक द करेक्ट आंसर, तो क्या पूछा, मोइना कौन थी, ये आपको क्या दे दिया, टिक द करेक्ट आंसर, सही विकल्प चुनने में देगा। उसको फिलिप्स में क्या देगा, मोइना खालिस्तान लड़की थी, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आदिवासी लड़की थी। इसलिए अच्छे से पढ़ोगे तब समझ आएगा कि के फिलिप्स में पूछ क्या रहा है, या ट्रू फॉल्स में, या सही विकल्प में, ठीक है। वैसे इसमें देख लो, सबर लोग गरीब और खालिस्तान थे, तो एक था क्या था, सबर लोग खालिस्तान, सबर लोग गरीब और भूमिहीन थे। तो इसमें हम लोग को ट्रू फॉल्स में क्या हो सकता है, सबर लोग गरीब और क्या बोलते हैं, दयालु थे, या दानवान दानहीन थे, इस टाइप का कुछ भी हो सकता है। तो फॉल्स आ सकता है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे सकता है, बट आपको समझना है। ऐसे मुहावरों के अर्थ क्या है, सिर हिलाना, उसका अर्थ क्या है उसको भी लिखना, और वाक्य को भी लिखना। अर्थ के भी अलग मार्क्स होते हैं और वाक्य के भी अलग मार्क्स होते हैं, ठीक है। लिंग बदल कर लिखना है, उसको वाक्य बनाने बोला है, बट लिंग भी बदलने वाला आपका ग्रामर पोर्शन में है। जैसे लेखिका तो क्या, लेखक हो जाएगा, बूढ़िया है तो बूढ़ा हो जाएगा, बकरी है तो बकरा हो जाएगा, मालिक है तो मालकिन हो जाएगी। मैं आपको अभी ग्रामर पोर्शन में बता चुकी हूँ, जो ध्वनि होती है उसके उच्चारण में कैसे निकलता है। किताब, की मतलब क प्लस ई, ता त प्लस आ, बा ब प्लस आ, ठीक है। वैसे बहुवचन पूछा है, चोटी का क्या होगा, चोटियाँ, नेवले का क्या होगा, नेवले, है ना। अब आपका आता है थर्ड चैप्टर क्या है, सच्चा मित्र। ये एक स्टोरी है कौवे और हिरन की। इससे अच्छा सीख मिलता है हम लोगों की, कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अच्छे से उसको समझना चाहिए, जानना चाहिए, और उसके बाद ही कुछ करना चाहिए। जैसे देखो, मृग के जाल में फंसने का कारण क्या था, तो ऑप्शन सबसे पहले पढ़ना है, खेत के मालिकों द्वारा जाल का फैलाया जाना, गिद्ध के द्वारा मृग को खेत दिखलाना, मृग द्वारा अनाज का खाया जाना, और सभी उत्तर सही हैं। तो हाँ, सभी उत्तर सही हैं, क्योंकि मृग के जाल में फंसने का कारण ये सब चीज़ था, ठीक है। आप इसको फिलिप्स में वन वर्ड में भी देख सकते हैं ना। अब प्रश्नों के उत्तर आपके ये हैं, फिलिप्स, मेरे मांस का खालिस्तान यहीं कहीं बैठा होगा, तो क्या आएगा, लोभी। तो क्या हो सकता है इसका, क्या बन सकता है, अगर इसे टिक द करेक्ट आंसर में देगा तो क्या होगा, मेरे मांस का क्या बोलता है, यहीं कहीं बैठा हुआ है, तो आपको ऑप्शन दे देगा, लोभी दे देगा, और कुछ भी दे देगा, आपको बस पहचान के लिखना है। अब भाषा विचार में क्या, पर्यायवाची शब्द सबके दो दो लुक हो गए आप, ठीक है। जंगल का क्या होगा, वन होगा, और क्या होगा, आप लोग बताओगे, दो लिखना जरूरी है।
विपरीतार्थ शब्द मतलब क्या होता है, विलोम शब्द मित्र का क्या होगा, शत्रु हो जाएगा, पहली का क्या होगा, अंतिम हो जाएगा। वैसे भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा उसमें इसके भाव को व्यक्त किया जाता है, जैसे मित्र का क्या हो गया, मित्रता हो गया, कुल का कुलता हो जाएगा, प्रसन्न का प्रसन्नता होगा, है ना, इस टाइप का भाववाचक संज्ञा आएगा। और इसमें से विशेषण छाँट के लिखना बोला है, जैसे आज हमारी यह पहली मुलाकात है, तो पहली क्या है, विशेषण है। वैसे ये दे सकते हैं, ये चितकबरा कौन है, तो इसमें क्या होगा, विशेषण चितकबरा, है ना। अब आता है चैप्टर 4 शिमला की शहर, इसमें शिमला के बारे में पूरा चीज़ बताया है। ये जो आपको ट्रू फॉल्स दिया है, अगर चाहे तो इसको फिलअप्स में दे सकता है। कैसे दे सकता है, स्वतंत्रता के पूर्व भारत की ग्रीष्मकालीन राजस्थान राजधानी खालिस्तान थी, तो श्रीनगर नहीं थी, क्या थी, शिमला थी, है ना। वैसे बोल सकता है शिमला में पहली रेलगाड़ी खालिस्तान को पहुंची, तो क्या रखेंगे हम, यार 9 नवंबर 1906 को पहुंची, जो सही है, हाँ 9 नवंबर 1906 को पहुंची, ठीक है। अब आपका उसके बाद क्वेश्चन आंसर आता है, फिर ग्रामर पोर्शन आता है। ग्रामर पोर्शन में भी आपको क्या दिया, प्रत्यय को ही जोड़कर बनाने बोला है, समाज प्लस एक्स तो सामाजिक हो जाएगा, सम प्लस ता समता हो जाएगा। इसमें भी वाक्य बनाने बोला है, दृश्य से क्या बनता है, यह बहुत सुंदर दृश्य है, बन सकता है, आप लोग अपने वर्ड्स में से बना सकते हैं, बट उसका मीनिंग निकलना चाहिए। इसमें क्या, वाक्यों में निर्देशानुसार बदल कर पुनः लिखे, जो इसमें दिया है उसको हम लोग को दूसरे काल में जैसे परिवर्तन करना है। शिमला का पुराना नाम श्यामला था, उसको हमको वर्तमान काल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब है बहुवचन में, जैसे वर्ष है तो वर्षों हो जाएगा, मतलब वर्ष एक साल को मेंशन कर रहा, वर्षों मतलब बहुत सारे साल को मेंशन कर रहा, ठीक है। अब आता है आपका चैप्टर 5 अकलमंद हंस, इसमें हंसों के बारे में बताया गया है कि अकल का यूज़ करके हम अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। इसमें क्या है, मुहावरे मौत के मुंह में ले जाने का क्या अर्थ होता है, इसका होता है मृत्यु का कारण बनना, मृत्यु होना, मृत्यु से बचना, इनमें से कोई तो क्या होगा, मृत्यु का कारण होना। इसको चाहे तो आपको फिलिप्स में पूछ सकता है, जैसे इसको पूछ सकता है रुष्ट शब्द का विलोम शब्द खालिस्तान होगा, तो आपको लिखना है क्या होगा, रूठा होगा, चुप होगा, मना लिया गया है, ये इसमें से कोई नहीं, तो इसमें से एक होगा रुष्ट, हो सकता है रूठा, है ना। वैसे जो फिलिप्स दिया है, बहली खालिस्तान होकर देखता रह गया, तो क्या होकर देख के रह गया, बताओ, तो क्या आएगा, आवक हो गया, ठीक है। अब इसका आता है ग्रामर पोर्शन, ग्रामर पोर्शन में क्या, जैसे विलोम शब्द लिखा है, तो लज्जित का क्या होगा, अगर विलोम शब्द आप देखोगे तो इसका विलोम मीन्स उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा, बेशरम हो जाएगा, ठीक है। वैसी है मौत का क्या होगा, मौत का जीवन हो जाएगा, धरती का गगन हो जाएगा। अब आता है ये भी क्या, क्रियाओं से भाववचन भाववचक संज्ञा बनाइए, जैसे एग्जांपल के लिए चढ़ना, उसका क्या हो गया, चढ़ाई हो गया, बोलना का बोली हो जाएगा, बनाना का बनावट हो जाएगा, क्योंकि ये क्रिया से भाववचक संज्ञा में बदलना है। अब आता है विशेषण से भाववचक संज्ञा को बदलना, तो जैसे क्या, बुद्धिमान का क्या दिया, बुद्धिमानी दिया, मजबूत का क्या दिया, मजबूती दिया, गंभीर का गंभीरता दिया है। अब आता है उसके बाद मोहरों के अर्थ और वाक्य का प्रयोग करें, तो उसमें आपको अर्थ लिखना है, अकल और वाक्य भी बनाना है, जैसे क्या, अकल का दुष्बल, तो अकल का दुश्मन का क्या होगा, मूर्ख होगा, आप इसका वाक्य बना सकते हो, जैसे रमेश को लाख समझाने के बाद भी उसने अपने खेत को बेच दिया, सच कहा कि अकल के दुश्मन का कुछ नहीं समझ में आता है, है ना। तो आपको सबका, अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो सबके अर्थ लिखना है, उसके बाद ही आपको वाक्य बनाना है। अब आपका आता है लास्ट चैप्टर, चैप्टर 6 82, ये कविता है जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। अब इसका बैक एक्सरसाइज किया, बया क्या था, बया खालिस्तान थी, तो क्या लिख सकते, एक पक्षी थी, है ना। इसको चाहे फिलिप्स हो, ट्रू फॉल्स हो, आपको किसी में भी दे सकते, बस आपको ध्यान से समझना है और सुनना है। अब आता है प्रश्नों के अंतर,
अब उसके बाद आता है भाषा विचार। भाषा विचार का सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि जैसे इसमें क्या बताती है, पर का मीनिंग कहाँ पे क्या चीज़ का यूज़ होता है। तो जैसे पर का यूज़ क्या पंख के द्वारा करके बताया है, चिड़िया के बच्चों के पर निकल आए हैं, बट वो पर किसके लिए यूज़ किया गया, तो वो पर पंख के लिए यूज़ किया गया है। वैसे एक पर का यूज़ किया क्या किया गया, परंतु, जैसे बया अंडे देती है पर गाय बच्चे देती है, तो वो किसकी जगह पे यूज़ किया गया, वो यूज़ किया गया है परंतु के जगह में, ठीक है। वैसे अभी उसके नीचे का पोर्शन देख लीजिए, जैसे उत्तर दे दिया, तो उत्तर का मीनिंग हम दो जगह दो हिसाब से निकाल सकते हैं। उत्तर मतलब एक दिशा होती है, जैसे उत्तर पूरा, पश्चिम दक्षिण, तो उसका अगर हम वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अचानक उत्तर से किसी के रोने की आवाज़ आई, ठीक है। और एक उत्तर का मतलब क्या होता है, जवाब देना, जैसे पंडित जी का उत्तर सुनकर राजा प्रश्न हो गया, ठीक है। आपको ध्यान से सुन के समझना है, ये बहुत टफ नहीं है। अब है द्विकृतियों को अपने वाक्यों में लिखिए, मतलब दो दो वर्ड्स को अपने वाक्य में लिखकर बनाना है। जैसे कभी कभी, तो क्या लिख सकते हैं, कभी कभी हमें दूसरे की बात भी सुन लेनी चाहिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे दाने दाने, अगर क्या लिखूँ, तो मैं तुम्हें दाने दाने का मोहताज कर दूँगा, है ना, जो दो वर्ड्स को मिला के एक वाक्य बनाने बोला है। अब उसके बाद आता है इसमें सर्वनाम खोजने बोला है, सर्वनाम में अंडरलाइन, तो जैसे आज आप बड़े सुंदर लग रहे, तो इसमें सर्वनाम क्या होगा, ऑब्वियसली ये सर्वनाम होगा आप। श्याम क्या खा रहा है, तो श्याम क्या होगा, सर्वनाम होगा। और लास्ट जैसे जब उनके पर निकलेंगे वे आसमान में उड़ जाएंगे, तो उसमें क्या आएगा, उनके, ये सब क्या सर्वनाम है, ठीक है। तो आपका रिवीजन सेकंड यहीं कंप्लीट होता है, आप लोग ध्यान से समझेंगे, नहीं आएगा तो आप लोग मेरे को पूछेंगे, ओके, एंड थैंक यू।